स्वागत है आपका चैनल पर। शेरपुर घोड़ा मंडी 2023 चल रहा है और मंडी जो है वो तकरीबन 6 तारीख से शुरू होने वाली है। आज तारीख 3 है, 3 फरवरी 2023। ये वाला जो रोड है यहाँ से मंडी की एंट्री है और ये यहाँ पे सबसे पहले आपको बरेली वाले जो हमारे घोड़ों के व्यापारी है, जिनमें एक बहुत ही मशहूर व्यापारी है जिनका नाम है तौफीक भाई और उनके ख़ास बंदे उनका नाम है राशिद, जिसके वीडियो पर आपने सारंगखेड़े में बहुत ही प्यार बरसाया था, वो सामने ही खड़े हैं। तो मिलते हैं उनसे और कुछ बातें करते हैं। और राशिद भाई कैसे हो? बढ़िया है भाई। और कब आना हुआ मंडी में? मंडी में तो 28 तारीख को आया भाई साहब। 28 तारीख को आ गए थे? हाँ। मक्कनपुर से डायरेक्ट इधर आ गए क्या? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सेठ। हमारे बड़े भाई है, बिजी है अभी, हमारे पास ध्यान नहीं है उनका। नहीं, पूरा ध्यान है तुम्हारा पर मेरा उनके ऊपर हमेशा ध्यान रहता है। और सब ठीक है? सब ठीक है भाई। तो 28 तारीख को आप यहाँ पर आए, मतलब तकरीबन 6 दिन हो गए अभी आपको? हाँ, 6 दिन हुए। कितने घोड़े लाए? घोड़े लाए 10-15 आई थी। 10-15 घोड़े लाए। कुछ माल बिका? बिक रहा है, इक्का दुक्का बिकता। इक्का दुक्का बिक रहा है। कैसा है माहौल? कैसा है माहौल? सही है, जैसा चलता है माहौल वैसे ही माहौल है, बढ़िया माहौल है। तेजी है? नहीं नहीं, सही है, मीडियम है अभी तो। मीडियम है, नरम गरम चल रहा है? हाँ, ऐसी चल रहा, ठंडा गरम, मतलब ज्यादा टूटा हुआ नहीं है ना रेट? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं टूटा हुआ है, सही रेट है। क्योंकि देखा भी एक दो मंडियों में मैंने, बहुत ज्यादा तकलीफ वाली मंडियां थी वो। अब बहुत थी, वो बारिश भी हुई थी, तकलीफ उठाई थी, आंधी भी आई, तूफान भी आया, उसमें बहुत परेशानी उठाई, परेशानी हो गई बारिश में। सही बात है। और बताइए बाकी सब मजे में? सब नुकरे लाए? हाँ, सब नुकरे, अबलग कलरफुल। हाँ नहीं, अबलग भी हैं उसमें। अच्छा, अबलग भी हैं, नुकरी मादी भी हैं, नुकरे घोड़े भी हैं। बच्चे भी लाए? बच्चे नहीं लाते हैं। अच्छा, बच्चे नहीं, बच्चों का शौक नहीं करा है, पूरे घोड़े का शौक करा अभी। बड़े बोले छोटे बड़े बच्चे सब हैं। अच्छा, है बच्चे भी हैं? हाँ। ठीक है, तो ये मजाक कर रहे थे सर? नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं करता भाई यार। ठीक है, तो क्या कीमत से लेके क्या कीमत तक के घोड़े आप लाए हैं मंडी में? कीमत तो अभी नहीं फिलहाल बता सकते हैं आप, फिर भी एक एवरेज 2-2.5 लाख रुपए से शुरुआत? यहाँ 2-2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे ही शुरुआत है। शुरुआत है, कम ज्यादा भी ही जाता है उसमें, जब ग्राहक आता है तो अलग बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हम लोग तो चाहते ही यही है कि लोगों को पता चले कि मंडी के अंदर क्या रेट है, तो लोग उस हिसाब से आएंगे मंडी में। नहीं नहीं, मंडी में बहुत लोग आते हैं, शेरपुर के नाम से ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शेरपुर पर पुराना है, शेरपुर बहुत पुराना बाजार। माहौल अभी मैं देख रहा हूँ कि वैसा माहौल अभी तक हुआ नहीं है जैसा माहौल क्रिएट होना चाहिए, जैसा एक मंडी का टाइम है ना। मंडी का 5 तारीख से शुरू है ना मंडी? 5 तारीख से शुरू हुई। कितने लगता है आपको घोड़े आए होंगे मंडी में? घोड़े तो बहुत आए, 100-200 घोड़ा भी है बंधे हुए। 100-200 घोड़े आए हुए हैं जी। ठीक है, तो ये हमारे तौफीक भाई के ये सब घोड़े हैं यहाँ से, ये पूरी लाइन। और ये भी तौफीक भाई अपने ही है? तो ये बहुत अच्छे खासे कितने हैं? 20-25 है, 20-25 जानवर यहाँ से, देखिए यहाँ से ये, और अबलक में भी है इनके पास में, तेलिया कुमेद कलर है, और नुकरे की तो भरमार है। मतलब शेरपुर मेले में तौफीक भाई ने खुद का एक मेला सजा दिया है, और जैसा हर मेले में खुद का एक मेला वो लगा लेते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी उन्होंने उनका जलवा बिखेर दिया है। ठीक है, और वो वहाँ पर हमारे एक भाई बैठे हैं, बंधु हमारे, हमारे बड़े भाई है विशाल दादा। और विशाल दादा कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बोलिए। कब आना हुआ आपका? मैं तो आज ही आया, आज ही आया। मैं भी आप बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पर मेले में? नहीं, बहुत साल नहीं बोल सकते, मैं जब चैनल ओपन किया था, मैं चैनल ओपन किया था तब 2020 में, मैं पहली मंडी यहाँ पे आया था। ओके। तब मेरे साथ में एक और एक महाराष्ट्र के चैनल वाले थे, सदानंद भाई। अच्छा, सदानंद सालवी? सदानंद सालवी। अच्छा, तब मैं पहले आया था, उसके बाद में वो 2 दिन के बाद में आए थे। ओके। तो जब मैंने नया चैनल चालू किया था तब काफी अच्छा रिस्पांस इस मंडी से मुझे मिला। अच्छा, और नहीं, मैंने आपके सारे वीडियोस भी देखे हैं। हाँ। बहुत अच्छे व्यूज आए उनके ऊपर, बहुत अच्छा चला है यहाँ का मिला, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। तब बहुत तादाद में घोड़े थे, इस बार इतने घोड़े आए नहीं थे, उसके बाद में सडनली लॉकडाउन हुआ 2020, 2021 और 22, तो तीनों साल में आया, लेकिन इतनी मंडी जितनी भरनी चाहिए वैसी भरी नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी मंडी आज की तारीख है 3-5 तारीख को बहुत सारी मंडी भर सकती है यहाँ पे। और अभी और गाड़ियां भी आएंगी, जैसे बच्चों गाड़ी की, अभी जैसे आपने भी शूट की, बिल्कुल
तो उसमें एक ही गाड़ी उतरी, बड़ी बड़े घोड़ों की गाड़ी अभी आई, सॉरी छोटे बच्चों की गाड़ी अभी आएंगी गुजरात वगैरह से, ज्यादातर गुजरात से आते। एक हमारे खास बंदे भी आने वाले 5 तारीख को, वीरू दादा। हाँ वीरू दादा भी आएंगे, शायद वो कल ही आएंगे, शायद बोल रहे थे उनके पार्टनर कल या परसों में। ओके बिल्कुल बिल्कुल। और आपने पंजाब में क्लिप बनाई थी जो काफी वायरल हुई और उसके बाद में मेरे को बहुत लोगों वायरल मतलब ये क्या बस मोहब्बत है आप लोगों की, आप लोगों की मोहब्बत। और ये उन्होंने खुद के मन से बोला इसका, इसके लिए मैं कुछ नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। बिल्कुल वो उनका काम करते है। नहीं आप आपका काम बहुत ही अच्छे से करते है और बहुत ही मेहनत से आप अपने जो काम को अंजाम देते है। बिल्कुल सारे मेलों को कवर करना ये बहुत आसान नहीं, सारे तो मैं आप तो मेरे से मतलब इस काम में मेरे से जूनियर होके भी आप पंजाब चले गए, ये मेरे को अच्छा लगा। लेकिन मैंने सोचा कि भाई चलो अपने बंदे कोई जा रहे तो अपना एक महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट तो करने वाला कोई बंदा है। जी जी जी। और यहाँ पे अपने व्यापारी भी यहाँ पर बहुत सारे अपने, वो अच्छा लगा आजर भाई आप जाकर आए पंजाब में जाकर आए और अच्छे वीडियो वगैरह बनाए। देखो व्यू आना ना आना ये बाद में की बात है, वो तो 2 नंबर की बात है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। आप वहाँ पर जाकर जो अनुभव किए होंगे इतने ठंड में जाकर मेहनत करना, क्योंकि आम लोगों को लगता है कि यूट्यूबर जो रहते हैं उनको बस भाई पैसे कमाते हैं, तो ये उनको पता नहीं कितना डालते हम, बिल्कुल कितना डालते हैं और कितना कमाते ये हमें ही मालूम है, हमको ही मालूम है। और ये सभी यूट्यूबर जानते हैं, जितने भी चाहे वो घोड़ा लाइन वाले यूट्यूबर्स हो या अन्य जो भी हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो शूट है आदर भाई वो बाहर आउटडोर शूट है, उसके लिए हमें ट्रैवलिंग करना है, जैसा कि कोई टेक कुछ है, सब हाँ टेक चैनल वाले वो घर में स्टूडियो करके बैठते हैं और शूट बन जाती है, वैसा अपना नहीं है, हमें बाहर जाना, हमारी बहुत ज्यादा मेहनत होती है, ट्रैवलिंग है, बाहर का खाना है जो हमको कभी शूट करता है, उसमें ऐसा भी हो जाता है आदर भाई। जैसा अभी आज हम मंडी में आए, मैं बोलना चाहूंगा आपके वीडियो के जरिए कि यूपी से बहुत सारे व्यापारी महाराष्ट्र में व्यापार करने आते हैं, यानी यहाँ की करेंसी वो यूपी में लेके जाते हैं तब उनके नए घोड़े खरीदेंगे। हाँ हाँ सही बात। लेकिन ये करेंसी कब जाएंगी, जब तक उनको यूट्यूब के माध्यम से लोग उनकी वीडियो देखेंगे तब वो वहाँ तक जाएंगे। लेकिन वो वीडियो करने के लिए काफी जितना रिस्पॉन्स देना चाहिए वो देते नहीं है, तो ये देखिए काफी क्या दिक्कत है लोगों को, वो चीज समझ में आ नहीं रही है मुझे भी, क्या वो लोग क्यों इतना दूरी बना रहे हैं, उनको पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि देखो हम कोई उनके प्रमोट के कोई पैसे तो मांगते बिल्कुल नहीं, 1 रुपया भी कोई देता नहीं और हम लोग लेते भी नहीं है ना, लेते भी नहीं। और वो अपने वीडियो के माध्यम से बहुत घोड़े भी बेचे जाते हैं लेकिन वो बोलेंगे भी नहीं, और हमें उनका जानना भी नहीं है, वो व्यापार करते हैं। हमें पता है, मैं खुद एक घोड़ा पालता हूँ, मुझे पता है कि घोड़ा घर से मंडी में लाना ये बहुत मुश्किल है, वो तो क्वांटिटी में लाते हैं, उनको भी मालूम है, तो ये उनका 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 नजर है, वो सोचना चाहिए उन्होंने। शायद इस पर आतिफ भाई ने भी एक लाइव में बताया था, इसी का यही सब्जेक्ट था उनका भी, शायद मुझे बाद में पता चला वही कारणों के वजह से मक्कनपुर मेले के अंदर है ना रश नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल यही कारण है, बिल्कुल जो व्यापारी लोग जो है वो वीडियो में आना नहीं चाहते, या क्या कारण है जो लोग कैमरे से दूरी बनाते हैं, तो ये इसका एक बहुत ही बुरा असर गिरता है मेलों के ऊपर, मंडी के ऊपर। अगर वीडियोस नहीं जाएंगे तो हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप मेले का माहौल क्या है, हमने जो देखो चैनल पे जो सब्सक्राइबर आते हैं वो हमारा काम देखकर आते हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट करना, उनको अच्छी जानकारी पहुंचाना हमारा काम है। बिल्कुल, अभी इसमें हमारा जो इसमें हम बोल सकते कि जो हमारा जो पार्टनर है वो है व्यापारी लोग। बिल्कुल, जो हम मंडी में जो वीडियो बनाते नहीं तो फिर फार्म पर जाकर भी अच्छे शूट हो सकता है अच्छे से, लेकिन आम लोगों के लिए हमें ये बताना रहता है कि भाई व्यापार मंडी में क्या घोड़े आए हैं, कौन से नस्ल के आए, क्या क्या रेट चल रहा है, ताकि लोग दूर दूर से आएंगे, क्योंकि इनको व्यापारी को मालूम है कि अपने पास में जब यूट्यूबर आएंगे तभी हमारे घोड़े बेचे जाएंगे, ये इनको मालूम है। लेकिन साइकिल है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, अगर एक कहा छोड़ोगे तो तुम चल नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है, ये पहले का वो दौर तो है नहीं अभी। बिल्कुल, अभी तो जमाना बहुत ही आगे बढ़ गया है, लोग मंडी में वीडियो देख कर ही घोड़े भी बेचे जाते हैं बहुत सारे, लेकिन व्यापारी बताते ना, हम भी पूछना हमको उचित नहीं समझते कि भाई उन्होंने किस रेट में बेचा, क्योंकि हमको कोई लेना देना उनसे नहीं, हमारी सब एक ही इच्छा रहती कि भाई उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स दो। एक तो अभी जैसे आप और मैं इस मंडी में आए हुए हैं, लेकिन सवेरे से मैं 12 बजे से 11:30 बजे से पहुंचा, अभी तक एक भी वीडियो मेरी बनी नहीं है, जो एक हमारे मराठी भाई है उन्होंने दिए, बाकी तो ये बहुत ही मतलब
निराशाजनक बात है क्या ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शिरपुर मंडी के लिए जैसा मेरा कंसिस्टेंसी महाराष्ट्र में चैनल है, आपका भी और मेरा भी, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से लोग मुझे बहुत फोन भी करते हैं पर्सनल वाले या इंस्टाग्राम पर भी पूछते कि भाई कब लगने वाली। तो जब तक यहाँ पर आने के बाद में मैंने उनको बोला था कि भाई 5 तारीख को लगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में अगर मैं ऐसे बिना वीडियो के जाऊँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनको, यही मुझे समझ में आ रहा। देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, कौन रिस्पॉन्स देता है, बाकी हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जिनको करना है वो करेंगे, नहीं करना होगा तो हम उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल। बाकी आजर भाई आपका टूर कैसा रहा था फिर? बस ठीक ठाक। मजा आ गया? हाँ, ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी थी पंजाब। अच्छा, में अच्छा। और मकनपुर में तो खाने पीने की जो दिक्कत थी, हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी आती, उसके वजह से मेरी हेल्थ भी उधर कुछ सही नहीं थी। बिल्कुल। तो मैं 2-3 दिन 4 दिन रिया मकनपुर में। आपने अच्छा किया जो आपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया। मकनपुर में कोई महाराष्ट्र का यूट्यूबर अभी तक गया नहीं, मैं भी नहीं गया हूँ। बिल्कुल। मेरा तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा ग्रह गृहस्थी है, लेकिन क्या हो जाता है थोड़ा सा अपना जो बिजनेस है उसके वजह से थोड़ा बाहर नहीं जा सकते तो भी, लेकिन मैंने घर वालों को इस बार कन्विंस किया और अपनी जो मेरे चैनल पे जो अभी फार्म विजिट सीरीज मैंने चालू की है, जिसमें मैं पुणे पे अभी रिसेंटली जाकर आया हूँ। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने अभी भी कांटेक्ट किया है, जैसे जैसे आपने बहुत अपडेट कर। हाँ बिल्कुल, मैंने मतलब वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव की है, कुछ एक सिनेमेटिक शूट मेरे पहले से मेरा शौक रहा है कि मुझे एडिटिंग में बहुत मजा आता है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी कोई चीज को रिस्पांस मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो सभी को देखो, क्रिकेटर रोज शतक नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी 0 पे भी आउट हो जाता है, कभी कभी 100 पे बना देता है। वैसे यूट्यूबर्स का भी है, तो कोई वीडियो अच्छी चल जाती तो कोई कम भी चलती, तो मैं इससे नाराज नहीं होता हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरे तरफ से मैं जितना हो सके उतना अच्छे प्रेजेंटेशन कोशिश कर रहा हूँ। और पुना शो, पुना जो मेरी अभी सीरीज हुई वो काफ़ी जोरदार हुई, सभी ने बहुत जोरदार इंटरव्यू दिया है और काफ़ी नए कंटेंट मैंने इस बार बनाए, आने वाले वक्त पर आप भी देख सकते हैं और आपके व्यूअर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पर आने के लिए और हमसे ये बात करने के लिए। और मैं वापस से ये घोड़ा व्यापारियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, क्या आप लोग इतना शर्माइए नहीं। हाँ, और कैमरे पर आइए और बिल्कुल बताइए घोड़ों के बारे में। लोगों को जानकारी नहीं है ज्यादा, तो आप लोगों का फर्ज बनता है लोगों तक जानकारी पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल। और काम करना हमारा फर्ज है और जानकारी देना आपका भी फर्ज है, तो ये दोनों का उनसे ज्यादा मेहनत हमारी है। हम इतने दूर आते भी हैं, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, थंबनेल लगाना, अपलोडिंग करना, बहुत सारा काम रहता है। ये एक वर्ड है जो FSA एंटरटेनमेंट वाले ने आतिफ अनवर को बोला था मुक्सर मेले में, कि सबसे ज्यादा कंटाल जो वर्ड है ना, कंटाल, ये वर्ड कब आता है मालूम है? जब हम थंबनेल बनाते हैं, वीडियो एडिट पूरे हो जाते हैं और थंबनेल बनाने में थंबनेल और टाइटल टैग्स वगैरह लगाना बहुत मुश्किल है। वही बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी को लगता है कि हमारी वीडियो वायरल हो, लेकिन देखो वो नसीब की बात है। और कंटेंट में अगर आपके दम रहे, सभी अच्छे, सभी यूट्यूबर्स बहुत अच्छा काम करें, हम किसी का नाम ऐसे नहीं लग सकते कि कोई कम, सभी लोग अच्छे काम करें और सभी को भगवान तरक्की दे, सभी के वीडियो अच्छी चले, यही मैं शुभकामना करता हूँ आपकी जगह। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको देखा, और आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। और फिर से मैं घोड़ा व्यापारियों से कहूँगा, क्या आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये काम अधूरा रह जाएगा और ये सारी चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शिरपुर मेला 2023 की सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर आप लोग बने रहिए, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।